नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ कंसेप्ट की हम लोग बात करेंगे। क्या वाकई में चाइना ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है? क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो चाइना को लेकर है? आज अगर कोई भी समिट होता है, जैसे अभी इंडोनेशिया के अंदर हुआ है आसियान समिट, अगर हम लोग G20 के पिछले वाले समिट की बात करें 2022 की, उस समय की बात करें या फिर इस समय, अब G20 भारत के अंदर होने जा रहा है, मुझे लगता है कि इस बार भी तीन ही टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछली बार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर चर्चा हुई थी वो था रशिया एंड यूक्रेन का वॉर। दूसरा था कि चाइना और यूएसए के बीच में जो डील्स हो रही हैं, ट्रेड्स हो रहा है, उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। तीसरा था कि चाइना और यूएसए ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को किस तरीके से हैम्पर्ड किया है, इफेक्ट किया है। केवल ये तीन ही टॉपिक थे। उसके बाद आप कल का इतिहास उठा के देख लीजिए, इंडोनेशिया के अंदर बात हुई है तो केवल इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात हुई है। लेकिन क्या G20 जो कि भारत के अंदर अब होने जा रहा है, इन्हीं मुद्दों पर बात होने जा रही है? पहले एक व्यक्ति की धमकी से मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। रशिया के एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये जो है चैलेंज किया, यानी कि इस तरीके से धमकी भरे अंदाज में ये कहा कि अगर G20 समिट में कहीं पर भी रशिया और यूक्रेन का जिक्र आया तो हम लोग जो डिक्लेरेशन है, जॉइंट डिक्लेरेशन है, इसको मानने से इनकार कर देंगे, कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जो व्यक्ति भारत के इस G20 समिट के अंदर शामिल भी नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी धमकी भरे अंदाज में बाहर से कह रहा है। सबसे पहले इस पोलराइजेशन की गणित जो है वो हम लोग समझ लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या वाकई में G20 और इस इंडिया के एजेंडे को कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इंपैक्ट करेगा। ये फोटो है जकार्ता की, जहां पर इंडोनेशिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है और वापस जो है अभी जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय वापस इंडिया के अंदर लौट भी चुके हैं। आसियान समिट जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर थी, वहां पर भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चाएं होती आ रही। मतलब आसियान की समिट वहां पर थी लेकिन चर्चा हो रही थी G20 की। सोच के देख सकते हैं आप लोग, भारत उन तमाम देशों के अंदर अब शामिल हो चुका है जो कि ये देखते हैं, ये इंतजार करते हैं कि आखिरकार भारत अब अगला कदम क्या लेने वाला है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। ये फोटो देखिए आप लोग, इस फोटो के अंदर तीन जो योद्धा हैं आपको नजर आ रहे हैं, इन तीन योद्धाओं को मैं एक बार जो है वो डिक्लेयर कर देता हूं। देखिए आपकी तरफ से ही देखिएगा, ये जो है वो ईस्टर्न पार्ट है ना, ये जो है वो ईस्टर्न पार्ट है, ये अच्छा आपके नजरिए से मैं बनाता हूं, आपके नजरिए से ये जो है वो ईस्टर्न पार्ट है और ये जो है वो वेस्टर्न पार्ट है। भारत जो है वो इस बीच के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि ये तो है G7 कंट्रीज का ग्रुप, ये केवल और केवल है G2, अब केवल G2 हम लोग कहेंगे, और ये है G10, ठीक है ना, G10 हम लोग इसको कहेंगे। कैसे है सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को वर्ल्ड वॉर टू से पहले जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर टू से पहले क्या था, अमेरिका और रशिया के बीच में अपने लीडरशिप को लेकर बहुत लड़ाइयां थी। अमेरिका ये कहता था कि पूरे वर्ल्ड का लीडर मैं हूं, रशिया कहता कि नहीं मैं हूं। इसको, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ये बाइपोलराइजेशन कंडीशन है। पूरे विश्व के अंदर दो जो है वो शक्ति के केंद्र बने हुए हैं और दोनों जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। बीच में ऐसे देश फंस रहे हैं जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, खास तौर पर एशिया के और अफ्रीका के, ठीक है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद में अमेरिका जो है वो पूरे विश्व पर राज करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो इतना इन फ्रंट होकर सामने नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोल्ड वॉर के दौरान जो कि 1945 से लेकर 1990 तक चला था, 1990 तक चला था, इस कोल्ड वॉर के अंदर भी बाइपोलर जो पूरा विश्व है उसको हम लोग देख सकते थे। एक तरफ था रशिया और एक तरफ था अमेरिका। अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज का एक पूरा का पूरा लीडर था, जबकि यहां पर कम्युनिज्म जो है उसका लीडर बना हुआ था रशिया। जैसे ही
1990 का दौर गुजरता है, उसके बाद में अमेरिका एकमात्र देश बचता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बाइपोलर से पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। और आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि कोई भी पोलर नहीं है, या फिर हम लोग कहें कि मल्टीपोलर है। कोई भी विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली देश नहीं है, मल्टीपोलर जो है वो पूरे के पूरे विश्व को हम लोग आज जो है वो देखते हैं। अगर आज थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, उस दौर के अंदर अगर हम लोग जी रहे हैं, कल को इस युद्ध के अंदर, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे कंट्री, चाइना, ये तमाम देश इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जापान शामिल हो जाता है, तो यही युद्ध जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। भारत किस तरफ होगा, क्या सोचते हैं आप, भारत किस तरफ होगा? भारत ने हमेशा से तटस्थता की जो नीति है, पॉलिसी है, उसको अपनाया है, दूर रहता है वो, कभी भी जो है कहते कि फटे में टांग नहीं अड़ाता है इंडिया। इंडिया की ऐसी आदत नहीं है कि वो फटे में टांग अड़ाए। तो बेसिकली अब ये G20 की जो मीटिंग होने जा रही है, ये G20 की मीटिंग के अंदर अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको लेकर अगर कोई भी बात छिड़ती है, जैसा कि इंडोनेशिया के अंदर छिड़ी थी, तो फिर रशिया जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में जो है वो सामने निकल कर आएगा। उसको पता लग जाएगा कि अब जो है करो या मरो की नीति जो है मुझे अब अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि G20 की इस मीटिंग के अंदर जो कि अब भारत के अंदर होने जा रही है 8 से 10 सितंबर के बीच में, इस समय क्या वाकई में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है जो कि पहले हुई थी। इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर जो डिक्लेरेशन हुआ था, उन डिक्लेरेशन के अंदर से दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको वापस से G20 के अंदर शामिल कर लिया गया है, G20 के डिक्लेरेशन में शामिल कर लिया गया है। वो अब ये तो देखना होगा कि आखिरकार वो डिक्लेरेशन है क्या जिसका अनाउंसमेंट G20 के अंदर होता है, वो तो सबमिट होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर। लेकिन अब चाइना जो है वो क्या इसको इंपैक्ट कर सकता है? देखिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने 1962 के अंदर भारत को बहुत हैम्पर किया था। हमने एक फॉरवर्ड पॉलिसी उस समय अपनाई थी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक गांव था, चुसुल गांव था, है ना, वहां पर चाइना के कुछ जो सैनिक थे उन्होंने कब्जा किया था, और हमने उनको बाहर निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश से और अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकालने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। तो चाइना ने हमारा ध्यान जो है वो उस सीनेरियो की तरफ खींचा था और हम लोग उसमें बिजी हो गए थे। पीछे चाइना ने जो है फिर अटैक कर दिया था। वर्तमान में चाइना यही करने जो है उसकी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जो कि चाइना ने क्रिएट कर दी हैं, थी नहीं, क्रिएट कर दी है जबरदस्ती। अब वो ये चाहता है कि भारत को हम लोग यहां पर उलझाए रखें, ताकि G20 जैसे समिट या फिर कल को अगर वॉर होता है तो भारत जो है अपना पक्ष नहीं रख पाएगा और हमारे साथ में जो है वो उलझा रहेगा। ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1962 में कुछ ऐसा ही चल रहा था। जैसे अभी चाइना ने एक मैप जारी किया और उसमें अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपना बताया था, और उसका विरोध लगभग 10 देशों ने किया था, एशिया के 10 कंट्रीज ने उस चीज का विरोध किया था कि चाइना ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि चाइना की मैंने एक पॉलिसी पहले आप लोग को बताई है, 5-फिंगर पॉलिसी। 5 फिंगर के अंदर वो 5 अंगुलियां जो है वो मानता है, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ में भूटान, नेपाल, आपके लद्दाख वाले रीजन को, तिब्बत वाले रीजन को, ये कहता है कि 5-फिंगर पॉलिसी के तहत हम जो है इसको लेकर रहेंगे। भूल जाइए, वो सपने जो है ना वो पुराने हो गए हैं आपके। ठीक है, तो बेसिकली क्या G20 के अंदर चाइना जो है वो कुछ इंपैक्ट कर सकता है? तो हम लोग कहेंगे चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रशिया जो है उसने अब धीरे धीरे इनकार कर दिया कि मैं भी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। पाकिस्तान वैसे ही नहीं आ रहा है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिया जो है वो इसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये बात तय है कि अब पूरा का पूरा विश्व जो है वो अब इंडिया की तरफ देख रहा है। इंडिया जो है वो विश्व गुरु अब बनने जा रहा है। सोचकर देखिए, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो अब इंडिया के अंदर अभी इस टाइम पे मौजूद हैं, जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं G20 का क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद में एक लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो बनाया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।